हाय गाइस, मैं हूं अजय कम्बोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप केमिस्ट शॉप शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक रेगुलेटेड सेक्टर है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल के अंदर वो रेगुलेट होता है। यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेलिंग, डिस्पेंसिंग तक सब चीज़ रेगुलेट होती है। हर चीज़ के लिए आपको पर्टिकुलर लाइसेंस चाहिए होता है। जो केमिस्ट शॉप होती है वो फार्मास्यूटिकल में रिटेल बिजनेस के अंदर आती है। जो फार्मा रिटेल बिजनेस है उसमें ड्रग स्टोर, ड्रगिस्ट, केमिस्ट और फार्मेसी वगैरह आते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, वहाँ यहाँ पे हम वो कवर नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं कि ड्रगिस्ट में, केमिस्ट में, फार्मेसी में, ड्रग स्टोर में क्या डिफरेंस होता है। केमिस्ट शॉप और ड्रगिस्ट शॉप वो फार्मेसी स्टोर्स में आती है, जिनको फार्मासिस्ट की तो ज़रूरत होती है लेकिन जो मेडिसिन की कंपाउंडिंग वगैरह नहीं करती। कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग दो अलग अलग चीज़ें होती है। वो कंपाउंडिंग नहीं करती, केवल डिस्पेंसिंग करती है मेडिसिन की। वो केवल जो भी मैन्युफैक्चर से प्रीपैक्ड आता है, जैसे के जैसा मैन्युफैक्चर से आता है वैसे के वैसा ही वो प्रिस्क्रिप्शन के अगेनेस्ट उसको डिस्पेंस कर देती है। केमिस्ट शॉप शुरू करने के लिए आपको इन रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत, सबसे जो पहले आता है वो आता है प्राइम लोकेशन। आपकी जो दुकान है, जो आपकी शॉप है, वो अगर बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन पे हैं या वहाँ पे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो वो काफ़ी एडवांटेज देता है। मिनिमम जो आपकी दुकान होनी चाहिए वो 10 स्क्वायर मीटर का मिनिमम उसका कवर्ड एरिया होना चाहिए। उसके बाद आपको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत होगी, या तो आप हो फार्मासिस्ट या आपका पार्टनर हो या कोई अगर आप रजिस्टर्ड फर्म में हैं तो वहाँ पर आपका कोई डायरेक्टर फार्मासिस्ट है। अगर नहीं है तो आपको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी अपनी केमिस्ट शॉप खोलने के लिए। उसके बाद आपको एक केमिस्ट शॉप के लिए रिटेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली केमिस्ट फूड सप्लीमेंट्स वगैरह भी रखते हैं, तो अगर आप भी फूड सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट वगैरह रख रहे हैं तो आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन लेना भी ज़रूरी रहेगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है या फिर फ्यूचर में 40 लाख से ज़्यादा होगा या फिर आप ऑनलाइन सेलिंग भी करना चाहते हैं, ऑनलाइन फार्मेसीज के साथ जुड़ के भी अपना मेडिसिन सेल करना चाहते हैं, तो आपको फिर GST नंबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ लोकेलिटीज में, कुछ सिटीज में आपको शॉप रजिस्टर्ड भी करानी पड़ती है, वहाँ पे आपकी लोकल जो अथॉरिटी होती है। अगर आपकी जगह वो आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल है तो आपको अपनी शॉप को रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा अपने वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज को। रिटेल ड्रग लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिस के द्वारा इशू किया जाता है। आप ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में, ड्रग ऑफिस में जाके बेसिकली ज़्यादातर जो ड्रग ऑफिस होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज वो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं, वहाँ पे जो मेन सिटी होती है उसी में लोकेटेड होते हैं। वहाँ पे जाके आपको ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस के लिए केमिस्ट शॉप शुरू करने से पहले आपको हम यही एडवाइस देंगे कि आप पहले एक बार ड्रग ऑफिस हो आइए, वहाँ से जानकारी जुटा लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या फॉर्मेलिटीज और किस तरह की रिक्वायरमेंट उनको चाहिएगी, उसी के बाद आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्यूमेंट्स की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे इस वीडियो में, पहले हम बात कर लेते हैं कि एक केमिस्ट शॉप की जो सक्सेस है और जो फेलियर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी केमिस्ट शॉप की वो उसकी लोकेशन होती है। किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए, चाहे वो फार्मा का है या नहीं है, उसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है। लोकेशन ही रिटेल बिजनेस का मेनली आधार कहा जा सकता है। उसके अलावा आपकी सक्सेस इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगी कि जिस लोकेलिटी में आपने अपनी शॉप खोली है वहाँ पे कितने रजिस्टर्ड मेडिसिनर है जो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल कितने अवेलेबल हैं, वहाँ पे पहले ही कितनी केमिस्ट शॉप अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे इतनी वहाँ पे कंजप्शन नहीं है, उससे ज़्यादा पहले ही खुल चुकी है और आप भी वहाँ पे खोले तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जिस एरिया में आप केमिस्ट शॉप खोलने जा रहे हैं वहाँ पे पेशेंट कितना आता है, आसपास गांव लगते हैं, विलेजेज लगते हैं या दूसरी लोकेलिटी से भी लोग वहाँ पे आते हैं नहीं आते हैं, कई फैक्टर रहते हैं। आपके जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है, आप अगर अपना मेडिकल शॉप खोल के रखते हैं तो उसकी आप क्रेडिबिलिटी कितनी जनरेट कर पाते हैं, कितना उसको फेमस कर पाते हैं, कितना लोग उसको जानते हैं, इस चीज़ पर भी आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगी। आप उस लोकेलिटी में कितने लोगों को जानते हैं, कितनी जान पहचान आपकी बहुत इफ़ेक्ट करती है, ये भी आपकी सक्सेस और फेलियर पे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिएंगे रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए। पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको ड्रग ऑफिस से मिलेगा, जो भी फीस होगी वो आपको फिलअप करनी पड़ेगी, वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी किसी भी वे में, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप कर सकते हैं।
जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अगर आप फार्मासिस्ट नहीं है, कोई डायरेक्टर या पार्टनर फार्मासिस्ट नहीं है, तो आपको एक फार्मासिस्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसको अपने शॉप के लिए एम्प्लॉय रखना पड़ेगा। जो फार्मासिस्ट है उसका, जो उसने स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उसकी कॉपी साथ में लगेगी। फार्मासिस्ट का एफिडेविट भी लगता है, जो वर्डिंग उस पर लिखी जाती है वो भी ड्रग ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो वो प्रोवाइड करा देंगे सेम की सेम वर्डिंग, जैसे आप उसके अनुसार अपना एफिडेविट तैयार करा सकते हैं। फार्मासिस्ट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो डी फार्मा है, बी फार्मा है, फार्मा डी है या एम फार्मा है, जो भी है, उसके सर्टिफिकेट्स की कॉपी भी साथ में लगेगी फाइल के। फार्मासिस्ट के डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लगेगा साथ में, एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, शॉप पोजेशन का प्रूफ लगेगा, अगर आपका खुद का है तो ओनरशिप प्रूफ का लगेगा, आपकी रजिस्ट्री लग सकती है, दूसरे डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, अगर आपने रेंटेड रेंट एग्रीमेंट साथ में लगेगा, रेफ्रिजरेटर का परचेज बिल भी साथ में लगता है, वो भी काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है आपकी केमिस्ट शॉप का। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड है या आपने कोई रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है फॉर्म का, तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनर्स का या डायरेक्टर के एफिडेविट भी साथ में लगेंगे। एफिडेविट के साथ साथ एड्रेस प्रूफ भी सभी डायरेक्टर्स के या पार्टनर्स के, या अगर आप प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर का लगेगा साथ। आपकी जो शॉप है उसका ब्लूप्रिंट साथ में लगेगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा किस एरिया में सिचुएटेड है, क्या अंदर क्या क्या है, सब कुछ एक जो भी आर्किटेक्ट उसको बना के दे देगा आपको, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट ड्रग ऑफिस से आपको से कोई मांगता है तो वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज प्रोसीजर की बात, सबसे पहले तो एक अच्छी लोकेलिटी में एक आप दुकान ढूंढिए जहाँ पे अच्छा पोटेंशियल हो फार्मेसी शॉप खोलने के लिए। अपने एंड पे थोड़ा सा सर्वे करिए कि डॉक्टर्स क्या लिखते हैं, हॉस्पिटल से क्या प्रिस्क्रिप्शन आती है, क्या OTC प्रोडक्ट वहाँ पे लोग खरीदना पसंद करते हैं, उस चीज़ की थोड़ी सी रिसर्च करिए। आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की भी जरूरत पड़ेगी, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाइए कि जो जो वो मॉलिक्यूल्स है, जो जो वो प्रोडक्ट है, वो कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अवेलेबल है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो केमिस्ट शॉप खोलने के बाद। उसके बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है, शॉप रजिस्ट्रेशन है या रेंट एग्रीमेंट है, उनको पूरा कर लीजिए। एक फार्मासिस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अपॉइंट कर लीजिए, अगर आप में से कोई फार्मासिस्ट नहीं है तो। उसके बाद अपनी जो दुकान आपने ली है उसको एक फार्मेसी स्टोर की तरह उसको डेकोरेट करा लीजिए, फिटिंग वगैरह उसमें करा लीजिए। जो भी इसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, चाहे वो AC है या फ्रिज वगैरह है, उसको आप खरीद लीजिए। एक ब्लूप्रिंट अपने पूरी दुकान का आप तैयार करा लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स और आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आप अपने लोकल जो डिस्ट्रिक्ट ड्रग ऑफिस है उसमें विजिट करके आप वहाँ पर अप्लाई कर लीजिए रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए। वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आपकी एप्लीकेशन अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद ड्रग ऑफिसर या ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी सेम रैंक का ऑफिसर आपकी शॉप को इंस्पेक्ट करने आएगा कि आपकी जो शॉप है वो स्पेसिफिकेशन को पूरा करती भी है या नहीं करती है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लगाए हैं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर ड्रग अथॉरिटी सेटिस्फाई हो जाती है कि आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जो भी आपकी जगह है, वो पूरी स्पेसिफिकेशन को पूरा करती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है, तो आपको ड्रग लाइसेंस इशू करने के लिए आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड कर दी जाती है और कुछ टाइम में आपको ड्रग लाइसेंस नंबर मिल जाता है। रिटेल ड्रग लाइसेंस नंबर के आने के बाद आप अपनी केमिस्ट शॉप को शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन को डिस्पेंस करना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी क्वेरी या सजेशन के लिए आप हमें मेल, हमारी ईमेल आईडी पर